शिवसेना के नेता मनोहर जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सर, आपका भी बहुत लंबा और करीबी साथ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहा है, इस मौके पर क्या कहेंगे आप? बस इतना कहेंगे तो मैं आगे की बात कहूंगा, एक बहुत अच्छा वक्ता, एक बहुत अच्छा साहित्यकार, और इसके साथ में सभी लोगों को साथ में लेकर काम करने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मैंने उनको करीब से देखा, ये बात सच है, और लोगों को साथ में रखना यह भी एक बड़ी बात होती है, और वो बात करने में अटल बिहारी कम नहीं थे। सदन में, लोकसभा सदन में बैठते समय अटल बिहारी जी का भाषण होगा कोई भी विषय पर, तो वो बाहर के लोग अंदर जाते थे, आते थे। इसका मतलब जो सांसद कुछ काम के लिए बाहर गए वो फिर तुरंत वापस आ जाते। इनकी लोकप्रियता बहुत थी, बड़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन वो कवि भी थे, उनका कवित्व सभी को मालूम है। और उनके कैबिनेट में मैं एक बार मंत्री भी था, इसके कैबिनेट में या बाहर लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव चाहिए ये उनको ठीक तरह से मालूम था। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को आगे बढ़ाया जी, हिंदुत्व का विचार भी आगे बढ़ाया जी, और इसीलिए सब लोग पर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक सुधार हो जाएगी, और तबीयत में सुधार होगा और अटल बिहारी वाजपेयी हमें फिर मिल गए, वही काम करते रहे जो काम उन्होंने अभी तक किया। एक नेता, एक पंत प्रधान, सभी बारे में वो आदर्श थे। ऐसे आदर्श को याद करते समय मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं अटल जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक तबीयत से ठीक हो और हमारे बीच में आ जाए। बिल्कुल, समन्वय की राजनीति किस तरीके से हो, गठबंधन के साथियों को किस तरीके से साथ लेकर चला जाए, शायद ये करके दिखाया अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।